देश की पहली एयर टैक्सी सेवा आज से शुरू हो गई है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर एयर टैक्सी सर्विस की शुरुआत कर दी है। पहली उड़ान चंडीगढ़ से हिसार के लिए शुरू की गई। बता दें कि एयर टैक्सी एक स्टार्टअप की तरह अपने आप को आगे बढ़ा रहा है। इसकी शुरुआत 2015 में गुरुग्राम से हुई है। भारतीयों को सस्ता हवाई सफर और समय बचाने के उद्देश्य को लेकर चली एयर टैक्सी ने वीरवार को पहली उड़ान भरी है। बता दें कि यह सपना कैप्टन वरुण सुहाग और कैप्टन पूनम गौर ने सजाया था, जो अब पूरा हुआ है। बताया जा रहा है कि ये एयर टैक्सी अन्य रूटों पर भी शुरू होगी। एयर टैक्सी की शुरुआत चंडीगढ़ से हिसार के बीच हुई है। इस सेवा की शुरुआत उड़ान स्कीम के तहत हुई है। सीएम मनोहर लाल ने हरी झंडी दिखाकर एयर टैक्सी की पहली उड़ान को चंडीगढ़ से हिसार के लिए रवाना किया है। इस दौरान मनोहर लाल ने कहा कि आज का दिन हमारे लिए विशेष दिन है। संयोग से आज मकर संक्रांति है और चंडीगढ़ एयरपोर्ट से हिसार के लिए एयर टैक्सी की शुरुआत भी हो गई है। एयर टैक्सी में पायलट समेत 4 लोग सवार हो सकेंगे। हिसार से चंडीगढ़ का सफर 45 मिनट में तय किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि अगले चरण में 18 जनवरी को हिसार से देहरादून और तीसरे चरण में 23 जनवरी को हिसार से धर्मशाला के लिए ये सेवा शुरू की जाएगी। एयर टैक्सी को प्राइवेट टैक्सी के तौर पर भी बुक किया जा सकेगा, हालांकि इसके रेट अलग होंगे। एयर टैक्सी 50 मिनट में चंडीगढ़ से हिसार की दूरी तय करेगी। इसके लिए प्रति व्यक्ति किराया 1750 रुपये रखा गया है। वही इस मौके पर एयर टैक्सी सेवा शुरू करने वाले कैप्टन वरुण सुहाग और कैप्टन पूनम गौर, भाजपा के पूर्व प्रदेश प्रधान सुभाष बराला सहित कई लोग मौजूद थे। यहां खास बात है कि लोग अब कार के किराए में एयर टैक्सी का अनुभव ले सकेंगे। यहां ये भी बता दें कि मकर संक्रांति पर्व के अवसर पर चंडीगढ़ हिसार के बीच एयर टैक्सी सेवा की शुरुआत होने के साथ हरियाणा में विमान सेवा का नया अध्याय शुरू हुआ है। एयर टैक्सी कंपनी को नागरिक उड्डयन मंत्रालय के डायरेक्टरेट ऑफ सिविल एविएशन विभाग ने रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत 11 रूटों पर चलाने की अनुमति मिली है, मगर मौजूदा समय कंपनी चंडीगढ़ से हिसार, हिसार से चंडीगढ़, हिसार से धर्मशाला, हिसार से देहरादून को एयर टैक्सी उड़ान भरेगी। अब हिसार एयरपोर्ट भारत सरकार की रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत शुमार हो गया है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने देश में विभिन्न शहरों को हवाई मार्ग से जोड़ने के लिए ये योजना कुछ समय पहले ही शुरू की थी। अब हिसार भी इसका हिस्सा बन गया है। बताते चले कि देश की पहली एयर टैक्सी सेवा आज से शुरू हो गई है। मकर संक्रांति के पर्व पर हिसार से चंडीगढ़ रूट पर एयर टैक्सी सेवा शुरू हुई है। दोपहर 12 बजे के बाद चंडीगढ़ से हिसार के लिए 4 सीटर विमान उड़ना बताया जा रहा है। यही विमान वापसी में हिसार से चंडीगढ़ जाएगा। इसका किराया 1755 रुपये प्रति व्यक्ति होगा। बता दें कि आमतौर पर एयरपोर्ट से फ्लाइट लेनी हो तो वह भी महंगी होती है और चेक इन में भी काफी समय लगता है। एयर टैक्सी के साथ ऐसा नहीं है, आपको 10 मिनट पहले एयरपोर्ट पर आना है, सीमित सीट भरी और उड़ान शुरू हो जाती है। इसमें एक पायलट और 3 पैसेंजर आ जा सकते हैं। बताया तो ये भी जा रहा है कि आगामी समय में वह 26 अलग अलग रूटों पर एयर टैक्सी सेवा शुरू होगी। अब आपको यह भी जानना चाहिए कि हिसार से एयर टैक्सी का क्या शेड्यूल और किराया रहेगा। हिसार से चंडीगढ़ 1755 रुपये में 50 मिनट में पहुंचेंगे। हिसार से धर्मशाला 2500 रुपये में 1.5 घंटे में पहुंचेंगे। हिसार से देहरादून 2500 रुपये में 1.25 घंटे में पहुंचेंगे। वहीं बता दें कि इससे पहले हिसार के विधायक कमल गुप्ता ने हिसार एयरपोर्ट का दौरा किया, टैक्सी उड़ान का जायजा लिया था। कमल गुप्ता ने बताया था कि यह हिसार के लिए गौरव का पल होगा जब हिसार से चंडीगढ़, देहरादून और धर्मशाला के लिए एयर टैक्सी उड़ान भरे। आज मकर संक्रांति है और मकर संक्रांति का दिन भी हमारे जीवन का बहुत ही एक उज्ज्वल दिन होता है कि जब सूर्य की किरणें दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर बढ़ती हैं तो एक उज्ज्वलता का एक प्रतीक है। और उसी दिन आज हमने जो एक नई यहाँ चंडीगढ़ एयरपोर्ट से हवाई एयर टैक्सी की सर्विस ये शुरू करवाई है। जो शुरू करने वाले हमारे कैप्टन वरुण सुहाग हैं, जो सीईओ हैं एयर टैक्सी कंपनी के, और उन्होंने इसको शुरू किया है। ये केंद्र सरकार की जो उड़ान स्कीम है उसके अंतर्गत ये स्कीम है। एक VGF का जो इसका आधार है कि कुछ सहायता केंद्र सरकार करेगी और कुछ पैसेंजर से और पैसा लिया जाएगा। आज पहले चरण में हिसार यानी चंडीगढ़ से हिसार ये सेवा शुरू की गई है। लगभग 45 मिनट की उड़ान
इसकी होगी, 250 किलोमीटर की स्पीड होती है, सारी जो जानकारी हमें मिली है। 4 सीटर ये छोटा जहाज़ है और देश में पहली बार इस प्रकार का छोटा जहाज़ एयर टैक्सी के रूप में ये चल रहा है। तो एयर टैक्सी के नाते से कम संख्या होने पर भी और ये इसकी सेवा का उपयोग लोग जो कर सकेंगे, कई बार बड़े बड़े जहाज़ चलाते हैं तो नए एयरपोर्ट के ऊपर उतना ट्रैफिक मिलता नहीं है, जिसके कारण से कई बार उसमें बाधा आती है। लेकिन क्योंकि 4 पैसेंजर की सेवा है, इसलिए इसको एक बार शुरू होने के बाद मौसम अगर साफ रहेगा तो लगातार ये चलती रहेगी। पहले चरण में ये शुरू हुआ है और दूसरे चरण में हिसार चंडीगढ़ से, हिसार तो है ही है, हिसार से देहरादून, ये एक सेवा भी शुरू करने जा रहे हैं जो 18 तारीख से शुरू हो जाएगी, 18 जनवरी से। और फिर तीसरा चरण 23 जनवरी से जो शुरू करने जा रहे हैं, चंडीगढ़ से देहरादून, हिसार से धर्मशाला, ये 2 रूट और शुरू हो जाएंगे। तो ऐसे कुल मिला के 4 रूट इस प्रकार अभी शुरू होंगे। कंपनी के लोगों से जो हमारी बात हुई है, उनका भी आगे धीरे धीरे उनका जो प्लान है, उस प्लान में शिमला भी है, उसमें कुल्लू का जो भुंतर हवाई अड्डा है वो भी है, हरियाणा के जितने एयरपोर्ट हैं उनके ऊपर भी जैसे जैसे पैसेंजर मिलेंगे उसको आगे बढ़ेंगे। तो एक प्रकार का ये एयर टैक्सी का जो प्रचलन है, इसमें लोगों को सुविधा होगी कि इसको अलग से अगर प्राइवेटली भी बुक करके जाना चाहें, उसकी भी योजना इनके पास है कि कहीं भी जहाँ इनको 800 मीटर की पट्टी मिल जाएगी, वहाँ वहाँ ये प्राइवेट टैक्सी के नाते से भी चलाएंगे। उस प्राइवेट टैक्सी का रेट अलग से डिक्लेयर करेंगे, क्योंकि उसमें केंद्र सरकार का VGF का नहीं है, VGF जो रेगुलर रूटीन के जो लाइसेंस इनको मिला है उसके ऊपर ये कर रहे हैं। तो आज के इस एयर टैक्सी के शुरू होने पर मैं पूरे प्रदेश के लोगों को और देश में एक नई एक व्यवस्था ये खड़ी की है, तो पूरे देश के लोगों को भी इसके लिए बधाई देता हूँ, शुभकामना करता हूँ। विदेशों में तो एयर टैक्सी बहुत ही प्रचलित है, वहाँ तो प्राइवेट लोग जैसे सामान्य टैक्सी को लेकर के जाते हैं उस टैक्सी के हिसाब से आगे चलते हैं, किराया भी कोई ज़्यादा नहीं है। अगर हम वोल्वो बस में एक पैसेंजर के नाते से कोई मानो ट्रेवल करता है यहाँ से हिसार, तो उसको लगभग 750 रुपये देना पड़ता है और यहाँ 1750 देना है, 1755 रुपये। तो कोई इतना ज़्यादा नहीं है कि आम आदमी भी अफोर्ड न कर सके। प्रधानमंत्री जी ने एक बार कहा था कि यानी हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति भी हवाई जहाज़ की यानी यात्रा कर सके, इस प्रकार का देश में एक माहौल बनाना है। तो उड़ान सर्विस के अंतर्गत आज ये सेवा की है, इसकी के लिए इस अवसर पर मैं सभी जनता के सभी लोगों को और ख़ास करके एयर जो सर्विसेज देने वाले हमारे जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, एयरपोर्ट है, बाकी सब है, सबको बहुत बधाई और शुभकामनाएं। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD बैंक्वेट्स एंटरप्राइज।